किचन पर तो बहुत प्रभाव पड़ा है। वैकेंसी तंकेंसी निकलता है ये नहीं कि रोजगार मिल रहा है कहाँ, सब ग्रेजुएशन कर करके बैठा हुआ है। सब जुमला है, चाहे निर्मला सीतारमन हो, मोदी हो। सुबह 11 बजे से ही आम बजट पेश होना शुरू हो गया और आम बजट जो है ये आम लोगों के लिए है। यहाँ पर कुछ पटना वासियों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार आम बजट से कितना उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमन जो है वो आम बजट पेश कर रही हैं। कई राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है आम बजट। इसको लेकर यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कई चीज़ें महंगी हो चुकी है, उससे क्या लगता है कि इस बार 4 सालों से आम बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमन जी, इस बार उम्मीद लगता है कि कुछ कम होगा? आशे पर होता है लेकिन हो नहीं पा रहा है ना, आशे पर, आशा पर ही रहता है जनता की। हाँ, आशा की आशा इस बार हो, बजट के लिए फायदा होगा, लेकिन ऐसा आश्वस्त नहीं हो पा रहा सरकार के द्वारा। महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कितना उम्मीद लगा कर बैठी हैं आप? उम्मीद तो बहुत लगा के बैठे हुए, महंगाई के कारण कोई बच्चा का भविष्य भी कम सोचे पड़ता है। जो चीज सोचते हैं दो रंग के खाएं, अब सोचे पड़ता है एक के रंग के खाएं। तीन को मेरी लड़की है, तीन को लड़की है तो तीनों को भविष्य सोचना है, क्या करें। महंगाई के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, हमको बोलने से तो कुछ नहीं होगा, मगर आप सब बोलेंगे उठाएंगे आवाज़ तभी ना होंगे। किचन पर तो बहुत प्रभाव पड़ा है। अब पहले कितना खर्च आता था? पहले ये सब सामान लाते थे तो बहुत, अब सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो देखिए, साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है इस आम बजट से कितना उम्मीद है आप लोग को लग रहा है? देखिए, हमको कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि शुरू में उम्मीद लगा था कि मोदी जी आएंगे तो मुमकिन हो जाएगा, लेकिन बाद में अब कुछ कोई उम्मीद नहीं है। सब जुमला है, चाहे निर्मला सीतारमन हो, मोदी हो, सब बेकार के बात है, ये सब खाली हवाबाजी है। किसी की सरकार रहे, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, बस यही लोग का काम है। चाहे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उससे कुछ सरकार कुछ नहीं। देखिए, एक बात आप मान लीजिए कि 5 राज्य के चुनाव हो चाहे 10 राज्य के चुनाव हो, मोदी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। वो अब न तो रोजगार की बात करते हैं, ना वो कहते हैं ना कि खाली पकौड़ा जो बेचवा रहे हैं, पकौड़ों में तेल लगता है, ऐसा ही पकौड़ा हो जाएगा। तेल कितना महंगा हो गया, और मोदी जी को है पता? पता है निर्मला सीतारमन को? पहले साला मामा चचा मौसा सब आते थे घर में, अब तो साला महंगाई इतना बढ़ गया है कि सबको आना छोड़ दिया। और अगर आते भी है तो हम लोग नुका जाते हैं, हम लोग घर में कहते हैं कि नहीं है मत आइए, इसलिए कि खिलावे पड़ जाएगा। आप वो कह रहे हैं बाल बच्चा पास कर गया है, लेकिन उसके जो है नहीं जा सकते रिजल्ट लाने के लिए, कारण कि फीस के पैसा देना होगा। ये तो कोरोना काल में जो फजीहत कराए है ना, नोटबंदी करा करके, ये तो देखिएगा अभी तो आगे आगे क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम लोग सोचे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब हम लोग को लगता है एक चीज़ कि कोई रहे मुमकिन ना होने वाला। हम लोग को वही गड्ढा खोदना है, वही पानी पीना है, और रोज़ गड्ढा करना है, रोज़ पानी पीना है। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, रोज़ गड्ढा खनना है और रोज़ पानी निकालना है, ये आम लोगों का गुस्सा है। यहाँ पर छात्र भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और इनके साथ बैठते हैं। एग्ज़ाम देने आए हैं? हाँ। कैसा गया एग्जाम? अभी तो दूसरा सिटिंग है। दूसरा सिटिंग चलेगा? हाँ चलेगा। तो आम बजट पेश हो रहा है, छात्रों के लिए कितना फायदा होगा? छात्रों के लिए मतलब इतना कुछ फायदा क्या दिखेगा, इतना मतलब उतना दूर से आते हैं, इतना महंगा है यहाँ पर किराया है, एक तो कितना मुश्किल से मिला है किराया, तो उसमें भी 10,000 रुपया ले चुका है। कितने दिन का ये? 10 दिन का। 10 दिन का 10,000? हाँ 10,000। कहाँ से आए? बाढ़ से। हाँ छात्रों के लिए उम्मीद क्या लगेगा, मतलब उसमें उसमें तो वैकेंसी तंकेंसी निकलता है ये नहीं, कितना आदमी तो हमसे मतलब पहले पहले वाला कुल आराम से बैठा हुआ है, इसी चलते तो इतना NTPC का जो रिजल्ट जो खराब हुआ है उसमें कितना वही चलते तो मतलब छात्र आंदोलन किया तो फिर सरकार को भी से बहुत घाटा लगा। तो देखिए साफ तौर से जो यहाँ पर लोग हैं उनसे और बात करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम की तैयारी चल रही है? हाँ चल रही है। क्या चीज़ का एग्जाम है? हिंदी का। बजट पेश हो रहा है, छात्रों को कितना फायदा दिख रहा है इससे? कुछ होगा फायदा? कम होगा,
आने जाने का जो किराया है, बाहर से लोग पढ़ने आते हैं, उसको लेकर कुछ फायदा दिखेगा? करना तो चाहिए, उम्मीद लगाकर बैठे। हाँ, कितना उम्मीद लगाकर बैठे? बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हुए। रोजगार को लेकर क्या कहें? रोजगार के लिए क्या कहेंगे, रोजगार मिल रहा है कहाँ, सब ग्रेजुएशन कर करके बैठा हुआ है, अब नहीं मिल रहा। सर वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे तो उतना क्या करेगा, वैकेंसी है नहीं, कहाँ निकाल रहे उतना। क्या लगता है बजट से कितना? बजट समय क्या कर सकते हैं, अब कुछ दिख ही नहीं, दिखता ही नहीं है। आओ सर, बहुत महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, ऑटो जाने का इतना महंगा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते हो, डायरेक्ट डबल। महंगाई तो है, ये लोगों का कहना है, जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद छात्र हैं वो एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं और आम बजट पर उनकी भी नज़र है कि हमारे लिए भी कुछ दिखे इसमें, क्योंकि छात्रों के लिए ख़ास तौर पर उनके लिए पढ़ाई जो महंगी हुई है वो सस्ती हो जाए, आने जाने का किराया सस्ता हो जाए, रहने का किराया सस्ता हो जाए। अगर सस्ता होना ही है तो छात्र से लेकर ग्रीनी तक के बारे में सरकार सोचे, ये उम्मीद लगाकर आज लोग बैठे हैं। और आज पूरी तरीके से आम बजट पर ही लोगों की नज़र है कि सरकार इस साल कुछ उम्मीद जो है उम्मीद पर खड़ा उतरे आम लोगों के लिए, क्योंकि हर साल आम बजट पेश होता है लेकिन वो उम्मीद पर सरकार खड़ा नहीं उतर पाती है। निर्मला सीतारमण जो है वो 4 सालों से आम बजट पेश कर रही हैं, ये 4th साल उनका है, लेकिन सरकार वो उम्मीदें लेकर ज़रूर जनता के बीच आती हैं लेकिन जनता के बीच जो है वो खड़ा नहीं उतर पाती हैं, जनता आस लगाकर बैठे रहते हैं। अब आगे की जो अपडेट होंगे हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे, पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर्ज न्यूज़ के साथ और देखते रहें दर्ज न्यूज़।